let A equals to 1, 2, 3, 4, 6, okay, R be, let R be the relation on A defined by A, comma B, A, B. B is exactly divisible by A, right? कैसे आएगा भाई? B is exactly divisible by A से A में defined है, तो B one के संग तो सभी आ जाएगा, one comma one आ जाएगा, one comma two आ जाएगा, one comma three आ जाएगा, और one comma four भी आ जाएगा, और one comma five भी आ जाएगा, और one comma six भी आएगा। इन सभी केसेस में B is exactly divisible by A आ रहा है, सही है? और टू के साथ क्या आएगा? टू कॉमा टू आएगा, सही है, टू कॉमा फोर आएगा एंड टू कॉमा सिक्स आएगा, बिकॉज बी इज एग्जैक्टली डिविजुअल बाई ए, टू कॉमा थ्री नहीं आएगा, थ्री के साथ क्या आएगा? थ्री कॉमा सिक्स आएगा ओनली एंड थ्री कॉमा थ्री आएगा, सही है, फोर के साथ फोर कॉमा फोर आएगा ओनली एंड सिक्स के साथ सिक्स कॉमा सिक्स आएगा ओनली। तो दीज आर द, इसको सेटिस्फाई करने वाली ये रोस्टर फॉर्म में आ गए। डोमेन क्या है? डोमेन में मेरे पास क्या, डोमेन क्या आ गई भाई, डोमेन लिख सकते हो आप, वन आया और टू भी है डोमेन में, थ्री भी है और फोर भी है और सिक्स भी है, ये पूरा ही सेट है ए, वन टू थ्री फोर सिक्स, क्योंकि सबके लिए आ रहा है करस्पॉन्डिंग। और रेंज में क्या क्या आ रहा है, वन भी आया है, टू भी आया है, थ्री भी आया है, फोर भी आया है, फाइव, वन कॉमा फाइव कहाँ से आ गया यार, वन फाइव तो है नहीं है, ये नहीं आएगा भाई साहब, ये नहीं है, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वन फाइव तो है नहीं है, फाइव कहाँ से आएगा। तो रेंज में क्या आएगा, रेंज में वन आएगा भाई, रेंज में वन आएगा, ओके, और वन टू थ्री फोर सिक्स, और वन टू थ्री फोर सिक्स, वन टू थ्री फोर सिक्स, यही रेंज है, यही है, वो डोमेन और रेंज सेम है, ओके, तो मुझे लगता है क्लियर है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।